हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो से कंटिन्यू करते हैं कक्षा 8 को। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 8 की, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी चैप्टर नंबर 7 की, अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। ठीक है, तो हाशियाकरण को हमने समझा है, अब हम देखेंगे कि हाशियाकरण से किस तरह से निपटा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इन वॉकिंग फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों का उपयोग। आप जानते हो कि हमारे संविधान ने हमें कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं। ये मौलिक अधिकार हमारे संविधान का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये मौलिक अधिकार सभी भारतीय नागरिकों के लिए इक्वली अवेलेबल है। अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग हाशिए पर हैं, तो देखिए इन मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल वो लोग दो तरीक़ों से कर सकते हैं, या ज़्यादातर दो तरीक़ों से अब तक किया गया है। ठीक है, इन लोगों ने दोस्तों देखिए अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हो रहे अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। ठीक है, बाय इंसिस्टिंग ऑन देयर फंडामेंटल राइट्स दे हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू रिकॉग्नाइज द इनजस्टिस डन टू देम। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें दोस्तों, दे हैव इंसिस्टेड दैट गवर्नमेंट इन्फोर्स दीज लॉ। मतलब देखिए इन लोगों ने इस बात के लिए सरकार पे दबाव डाला है कि उनके लिए कानून बनाए जाए, उनके लिए कानून लागू किए जाए। ठीक है, कई बार देखिए दोस्तों जो हाशियाई तबकों के लोग हैं, इन लोगों को संघर्ष करना पड़ा है अपने लिए कानून बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं आर्टिकल 17 की। आप जानते हो आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी को अबॉलिश कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है? देखिए दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अब किसी भी दलित को नहीं रोका जाएगा अपने आप को एजुकेट करने से, टेंपल में एंट्री करने से, या पब्लिक फैसिलिटीज़ का इस्तेमाल करने से। पब्लिक फैसिलिटीज़ जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर भी होगा, वहाँ हम अच्छे से डिस्कस करेंगे पब्लिक फैसिलिटीज़ क्या है, किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि अगर आप अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस कोई करता है तो ये गलत है। ये गलत ही नहीं है, बल्कि देखिए एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक सरकार इसे बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगी, और अगर ऐसा होता है तो अभी एक पनिशेबल क्राइम है। आर्टिकल 15 की बात करते हैं दोस्तों। आर्टिकल 15 कहता है कि देखिए किसी भी भारतीय नागरिक के साथ किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 17 का ही काफ़ी बार यूज़ किया गया है दलितों द्वारा, अगर उन्हें रोका जाता है। ठीक है, इक्वलिटी मतलब ये कहना चाहते हैं कि दिस हैज़ बीन यूज्ड बाय दलित टू सीक इक्वलिटी वेयर इट हैज़ बीन डिनाइड टू देम। ठीक है, जहाँ उन्हें इक्वलिटी नहीं दी गई वहाँ पर। अब हम बात करते हैं दोस्तों, जो लोग माइनॉरिटीज़ में हैं उनके लिए भी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है। ये राइट उन्हें इसलिए दिए गए हैं कि देखिए जो लोग मेजोरिटी में होते हैं, जो कम्युनिटी मेजोरिटी में होती है, ये कम्युनिटी जो कम्युनिटी माइनॉरिटी में, इस कम्युनिटी को या उस ग्रुप को डोमिनेट ना कर सके। या देखिए दोस्तों, एक ग्रुप अगर हम जो ग्रुप मेजोरिटी में है, विद इन उस ग्रुप में भी एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को मतलब डोमिनेट ना कर सके। ठीक है, तो आर्टिकल 15 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, बार बार ये आ रहा है। क्लास 6 में भी हमने इस पर बात की थी, आई थिंक क्लास 7 में भी हमने इस पर बात की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों लॉ फॉर द मार्जिनलाइज्ड, हाशियाई तबकों के लिए कानून। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट का ये काम है कि वो अपने नागरिकों के लिए कानून बनाए। ठीक है, उन्हें प्रोटेक्ट करें, उनकी रक्षा करें। बट देखिए हमेशा ये बिल्कुल आसान नहीं होता। गवर्नमेंट जब भी पॉलिसीज़ बनाती है, लॉ बनाती है, या कोई स्कीम बनाती है मार्जिनलाइज्ड लोगों के लिए हमारे कंट्री में, तो इसके लिए इन लोगों को संघर्ष भी करना पड़ा है। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट एक कमेटी या समिति का गठन करती है। ठीक है, फिर उसकी जो रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के आधार पे पॉलिसी, स्कीम या इवन लॉस को बनाया जाता है। ठीक है, इसके लिए सर्वे किया जाता है, काफ़ी कुछ करती है हमारी गवर्नमेंट इस टॉपिक पर काम करने के लिए। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने प्रीवियस चैप्टर में बात की थी कि 2005 में एक ऐसी ही समिति बनी थी जो लोग माइनॉरिटी में हैं इनके लिए। उस समिति का आपको नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि हमने इसको डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियो में। अब हम बात करते हैं दोस्तों प्रमोटिंग सोशल जस्टिस की, सामाजिक न्याय को किस तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है, प्रोत्साहन दिया जा सकता है। देखिए दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री या बिल्कुल ही सब्सिडाइज रेट पर हॉस्टल दलित और आदिवासी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स के लिए, उनके एजुकेशन के लिए। ठीक है,
बट इस फैसिलिटी का यूज़ करने के लिए उनके पास सर्टन सर्टिफिकेट होने चाहिए जो ये प्रूव करे कि वो बिल्कुल उस कम्युनिटी से या उस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। हमारे कंट्री में रिजर्वेशन पॉलिसी भी है दोस्तों। रिजर्वेशन पॉलिसी देने के पीछे ये रीज़न बताया गया था उस समय कि देखिए जो ग्रुप हैं, ठीक है, या जो कम्युनिटीज़ हैं हमारे सोसाइटी में, इन्हें काफ़ी समय से रोका गया है खुद को आगे बढ़ाने से या खुद का डेवलपमेंट करने से, इसीलिए उनके लिए एक स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ दी जा रही है हमारे गवर्नमेंट द्वारा। अब हम बात करते हैं दोस्तों दलितों और आदिवासियों के लिए कानून की, ठीक है, ऐसे कौन से राइट्स है जो प्रोटेक्ट करते हैं दलित और आदिवासीज़ को। इन एडिशन टू पॉलिसीज आर कंट्री ऑल्सो हैज़ अ स्पेसिफिक लॉज दैट गार्ड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़। देखिए दोस्तों पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो हमने प्रीवियस इसमें डिस्कस किया, पर देखिए एक लॉज भी है हमारे कंट्री में जो प्रोटेक्ट करते हैं कि जो लोग मार्जिनलाइज्ड हैं इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना किया जा सके, और मतलब इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन को प्रिवेंट करते हैं, इनका एक्सप्लॉयटेशन होने से इन्हें बचाते हैं। ऐसा ही एक लॉ है दोस्तों अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एट्रोसिटीज़ एक्ट, जिसे एट्रोसिटीज़ एक्ट भी कहते हैं। मेरी आवाज़ आज ख़राब है बिल्कुल। ओके, देखिए कंक्लूजन पे आने से पहले हम थोड़ी बात करते हैं इस एट्रोसिटीज़ एक्ट पे। अगर इस एट्रोसिटीज़ एक्ट पर आपको कोई वीडियो चाहिए स्पेशली तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। अगर 50 या 60 कमेंट बनते हैं तो हमारे सर है सौरभ पांडे सर, वो आपको वीडियो बना सकते हैं, ठीक है, बिकॉज हमने डिस्कस किया इस इश्यू पे, उन्होंने कहा अगर आप लोग चाहते हैं तो वो करेंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ एट्रोसिटीज़ एक्ट के बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों एट्रोसिटीज़ एक्ट में क्या किया गया है, इस कानून में देखिए अपराधों की एक लंबी सूची दी गई है। इस कानून में कई स्तरों के अपराधों के बीच में फ़र्क बताया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। देखिए दोस्तों आप जानते हो कि किसी भी तरीके कोई भी अधिकार लॉ या पॉलिसी सिर्फ पेपर पे होने से वो रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, उसके लिए काफ़ी एफर्ट करने पड़ते हैं, उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। और आप ये भी जानते हो कि इक्वालिटी डिग्निटी और रिस्पेक्ट की जो डिज़ायर है ये कोई नई नहीं है, ठीक है, ये सदियों से ही है और रहती आई है अगर हम हिस्ट्री को देखें तो, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए दोस्तों इवन इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जब हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी की बात करते हैं, सिमिलर प्रोसेसेस ऑफ स्ट्रगल राइटिंग नेगोशिएशन एंड ऑर्गेनाइजिंग नीड टू कंटिन्यू। तो देखिए दोस्तों एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में इसी तरीके से जो स्ट्रगल मतलब जो संघर्ष चलता है राइटिंग के माध्यम से, नेगोशिएशन के माध्यम से और ऑर्गेनाइजिंग, ये चलते रहना चाहिए, इसके अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल ही मैंने इसे एक समराइज़ करने का प्रयास किया है बहुत ही कम स्लाइड्स में, क्योंकि इसमें एक स्टोरीज दी गई थी, केस स्टडी दी गई थी स्टूडेंट्स को समझने के लिए, और हम काफ़ी पीछे रह गए हैं, बट सीरीज़ तो हम बिल्कुल कंप्लीट करेंगे और यहाँ से थोड़ी स्पीड लेंगे। अगर आपको नहीं समझ आया है तो कमेंट करके बताइए कि सर समझ नहीं आया, और एट्रोसिटीज़ एक्ट पे अगर एक अलग से वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो, वो भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मिलते हैं अगले लेसन में, टिल देन टेक केयर गुड बाय।